आप सबका धन्यवाद जो हमारे पार्टी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने समय दिया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रिजलाल खाबरी जी, हमारी लोकप्रिय उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मोना मिश्रा जी, पूर्व मंत्री और प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, पूर्व मंत्री प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय श्री नकुल दुबे जी, अनिल यादव माननीय श्री अनिल यादव जी, माननीय श्री शिव पांडे जी, माननीय श्री अशोक सिंह जी, सभी पत्रकार बंधुओं, सीधा पॉइंट पे जो आज की जो प्रेस वार्ता AICC द्वारा जो बुलाई गई अति महत्वपूर्ण विषय पे बुलाई गई है, 9 साल केंद्र की सरकार मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और ये 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा इसको लेकर देश की जनता के दिल में बहुत निराशा है। हर वर्ग इस सरकार से निराश हुआ है, 9 साल में कोई वायदे इन्होंने पूरे किए नहीं और कांग्रेस पार्टी प्रश्न बहुत है, असंख्य प्रश्न है, लेकिन 9 साल 9 सवाल, हम 9 साल 9 सवाल यानी कि इस सरकार से पूछना चाहते हैं। मैं वो एक एक करके प्रश्न आपके बीच में रखता हूं जो हम 9 प्रश्न पूछ रहे हैं और उन 9 प्रश्नों पे सरकार जवाब दे। वैसे तो 9 साल जन जन बदहाल ये सरकार का नारा होना चाहिए क्योंकि हर वर्ग बदहाल कर दिया इन्होंने, मगर प्रश्न है 9। पहला प्रश्न, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पे ऐसा क्यों है, हमारा कांग्रेस का प्रश्न सरकार से, ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही, क्यों अमीर और अमीर हुए हैं आपके कार्यकाल में गरीब और गरीब, यानी कि अमीर और गरीब में अंतर विश्व के इतिहास में रिकॉर्ड स्तर पे आज भारतवर्ष में पहुंच गया है, क्यों सार्वजनिक संपत्तियों को पब्लिक सेक्टर को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है और आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं, ये हमारा अर्थव्यवस्था को लेकर पहला प्रश्न है। आप जानते हैं जब 400 रुपये पे सिलेंडर था, 70 रुपये पे प्रति लीटर पेट्रोल था और 50 रुपये पे डीजल था, तब इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब ये कह रहे हैं कि महंगाई पे निमंत्रण पा लिया गया है, तो क्यों वही सिलेंडर 1150 पे है, पेट्रोल 95 से 100 रुपए पे पहुंच चुका है और डीजल 90 से ऊपर पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था को लेकर ये हमारा पहला प्रश्न था। अर्थव्यवस्था में और भी बेहद गंभीर प्रश्न है, बेरोजगारी का संकट रिकॉर्ड स्तर पे आज बेरोजगारी है, नोटबंदी की मार से अभी देश उभरा नहीं, इन्होंने एक और मिनी नोटबंदी का फैसला लिया है, टैक्स टेररिज्म चरम सीमा पर है और छोटे और मध्यम उद्यमों के की कीमत पर पीएम के कुछ चुने हुए उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, दूसरी ओर असमानता गरीबी भुखमरी और कुपोषण में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, ये डिटेल आपको हम अपने प्रेस नोट में देंगे। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न, पहला अर्थव्यवस्था का हो गया, दूसरा हमारा प्रश्न है एग्रीकल्चर और किसान, ऐसा क्यों है
कि पिछले 9 सालों में भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई,